हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी का मेरे चैनल विकास सिंह सोलंकी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए एक संकट का विषय बन चुका है और बनते जा रहा है। पर इससे डरने की कोई बात नहीं है, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, इससे कोई डरने की बात नहीं। बस सुरक्षा ही, बस अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें, हाथ अपने धोते रहें, और जब भी कहीं आप बाहर जाते हो तो मास्क लगाना कभी भी ना भूलें, सैनिटाइज अपने साथ में रखें, सैनिटाइज़र लेके जाएं, सैनिटाइज हाथों को करते रहें बार बार। अगर आप बाहर से कुछ सामान लाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसे पहले सैनिटाइज़ कर ले बाहर ही, और जो कुछ भी सामान हो या कुछ भी हो तो अच्छे से उसे धो लीजिए और उसके बाद अपने काम में लीजिए उसको। बस सावधानी ज़रूरी है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस अगर आप को मतलब ये होता है तो आप कैसे सावधानी रखें और नहीं होने के लिए भी आप क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको कहता हूँ कि अपने मन से नेगेटिविटी पूरी तरीके से बाहर निकाल दें, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना लें, क्योंकि हमारा असली दुश्मन हमारा टेंशन ही होता है। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या है। सबसे पहले तो जो शासन के द्वारा गाइडलाइन हमें दी जा रही है उसका पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। घर पे रहना ही सुरक्षा है हमारे लिए, क्योंकि संकट बहुत ही बढ़ चुका है। तो इससे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हमें घर पे ही रहना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद 40% इन्फेक्शन मुझे भी हुआ था। तो मैं होम क्वारंटाइन हुआ था, मैंने अपनी सुरक्षा स्वयं करी थी। और मैंने ऐसा नहीं है, कोरोना में अब पेशेंट को जैसे मैंने तो अपना जो झूठा बर्तन भी होता है, जो कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह खुद मैंने खुद ने किए थे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बीमारियाँ बहुत सी होती है जिसमें पेशेंट तो कुछ कर ही नहीं पाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस थिंक पॉजिटिव और इन्हें जितनी भी नेगेटिविटी है इससे अपने मन से निकाल दीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, 5-8 दिन लगते हैं, मतलब आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, पर थोड़ा ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे कि आज जो ये सेकेंड स्टेज में आया है कोरोना, तो इसमें आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुद को भी हुई थी, पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे मुझे हुआ था 40% इन्फेक्शन हुआ था और मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता था, मेरा 65 के लगभग चल जाता था। तो होता क्या था, थोड़ा मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती थी और थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता था कि मतलब अपने को सांस लेने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है, तो मतलब थोड़ा थकान भी रहती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी, तो थोड़ा क्या कह सकते हैं अपन, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती थी। तो उसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है, उसका एक इलाज है, खाना अपने अच्छा नहीं लगता है पर भर पेट खाना खाइए। मैंने यही किया, मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा था, मैंने पूरा थिंक पॉजिटिव, पूरी तरह मैं पॉजिटिव रहा था और उसमें मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखो सुनो, जैसे कि मैं खाना नहीं खा पाता, मतलब टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता और खा ही नहीं पाते हैं, और हाँ इसमें किसी चीज़ की स्मेल भी नहीं आती है, भले तुम किसी नाली के ऊपर भी बैठ जाओगे तो आपको कुछ नहीं खुशबू आने वाली है, कुछ नहीं गंध आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हो तो देखो, हमें पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा क्या करो, मैं करता था खाना खाते वक्त है तो भजन लगाता था, भगवान के भजन सुनता था, इधर भजन चल रहे उनका मजा लेता था, भजन को पूरे आनंद लेता था और खाता था। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खा लिया, 1 चम्मच 2 चम्मच, मैं भर पेट खाता था, मुझे जितना देते थे घर से पूरी प्लेट भर के देते, तो मैं पूरी प्लेट भर के खाता था, मैंने कोई इसमें ये नहीं करी। हाँ, क्योंकि वीकनेस मुझे भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं 4 कदम नहीं चल पाता था, पर मैंने ये काम नहीं छोड़ा, मैंने खाना भर पेट खाया, मतलब जितना भी होता था। और एक बात, जो भी पेशेंट है
उसे खाना खाते ही रहना चाहिए, फल फ्रूट्स खाते ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सुबह खा लिया खाना, शाम को खा लिया या दोपहर को ही खा लिया, 3 टाइम, अरे 10 बार खाओ। मैंने तो खाना है तो खाया था और फ्रूट्स वगैरह भरपूर चलते थे मेरे। और ऐसा था कि मैं अगर रात में भी जगता था तो मेरे घर वाले मुझे रात में भी देते थे दूध पीता था मैं, मतलब जिस टाइम नींद खुलती थी मैं पानी पीता था। पानी आज भी मैं गर्म पीता हूँ, 1 महीने से गर्म पानी ही पी रहा हूँ। पानी, गर्म पानी पियो और खाना भी एकदम गर्म खाओ, ताज़ा खाओ। ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, खाना भी गर्म खाए, पानी भी गर्म पिए। हो सके क्या, काढ़ा तो आपको पीना ही चाहिए। मैं पीता था काढ़ा हमेशा, मैंने तो आज भी मैं काढ़ा पीता हूँ। और जो स्वस्थ है उन्हें भी काढ़ा पीना चाहिए। और भाप हमेशा लीजिए। और अपना अजवाइन, लौंग, कपूर वगैरह को एक कपड़े में बांध के उसे सूंघिए, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मेरा खुद का बढ़ाता, अगर आप उसे सूंघते रहते हो तो तत्काल आप ये तो चेक करोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे बहुत मदद मिलती है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए, स्वस्थ जो स्वस्थ मनुष्य है उसे भी उसके मतलब इस समय तो जो कपूर वगैरह बांध के वो सूंघना ही चाहिए, उससे हमें फ़ायदा ही होगा। क्योंकि मतलब जो अभी टेम्परेचर भी है तो उससे भी मतलब जो ठीक है, नॉर्मल है, तो वो भी मतलब घबरा जाता है। तो मरीज की तो क्या हालत होती है आप सोच सकते होंगे, मतलब कि थकान इतनी होती है, कमज़ोरी इतनी हो जाती है कि आप उठ नहीं पाते हो। पर उसका इलाज है, भर पेट खाना खाओ। कोरोना को हराना है हमें तो कुछ नहीं, बस पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और सबसे मेन आता है खाना, भर पेट खाओ, खाने को कभी नहीं छोड़ना है। मानते हैं खाना नहीं खा पाते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप खाओगे नहीं तो आप ठीक नहीं होगे। खाना बहुत ज़रूरी है और टेंशन लेना पूरी तरीके से बंद कर दो। और मैं आपको बताता हूँ कि इस संकट की घड़ी में हमें बहुत से ऐसे रिश्तों का, दोस्ती का, समाज का, सबका पता चल चुका है कि ये किसी काम के नहीं रहते। जो लोग समाज रिश्तेदार, हम ये हैं, हमारी पोच ऐसी, ये वो करते हैं, तो किसी मतलब का नहीं है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल जाता है तो अगर उसके लिए अगर आप यहाँ अभी ऐसी सिचुएशन में अगर किसी से मदद मांगोगे, कोई नहीं आता है। ये मैं मेरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे तो हुआ था, मतलब कि जैसे मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी तो उस टाइम पे है, तो जो गाड़ी वाला था तो वो मना कर गया था कि कोरोना के कारण लगता है सभी को डर लगता है। पर बाकी अभी अपन है तो फैमिली, रिश्तेदार, समाज, जो लोग बहुत ये करते हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग बहुत ये करते हैं कि हमारी इतनी पोच है वो, तो ये अभी इस समय किसी काम की नहीं आ रही है। मतलब इतना संकट बढ़ गया, लोग इतने बीमार हो रहे हैं कि ये किसी काम में नहीं आ रहे है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आप अगर किसी से मदद भी मांगते हो तो कोई मदद करने को मंजूर नहीं होता है, जबकि ये गलत है। मदद करिए उससे, पर अपनी सुरक्षा के साथ करिए, उससे कुछ नहीं होता है यार। अकेला इंसान क्या क्या कर लेगा, अगर उसके घर में 2 पेशेंट हो जाए तो वो इधर ध्यान देगा या उधर ध्यान देगा। तो आप उसकी मदद करिए पर अपनी सेफ्टी के साथ, क्योंकि ये कुछ नहीं होगा अगर अपन जैसे अपन उसके हाथ भी लगा रहे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सैनिटाइज कर लो, साबुन से हाथ धो लो, तो सब कुछ ठीक हो जाए। आप तो उसे अकेला कर दोगे तो उसे अकेलापन महसूस मत होने दो। सबसे बड़ी बात है पेशेंट को अकेलापन महसूस होना। अगर उसे आप मतलब उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो उस पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। तो उसके साथ अपनापन बनाए रखे, उसे अपनेपन का एहसास दिलाएं, ताकि उसे भी अच्छा लगेगा और वो बहुत जल्दी ठीक होगा। तो उसे मतलब इतना भी ये मत करिए कि मतलब उसे अलग ही कर दिया है, उसके पास जाना भी नहीं है। अरे कुछ नहीं होता है, आप उसके पास जाओ पर फुल सेफ्टी के साथ जाओ, सैनिटाइज लेके जाओ, उसकी सारी चीज़ों को सैनिटाइज कर दो।
और अपने मुंह पे भी मास्क लगाओ, वो भी लगा लेगा मास्क, तो अपने को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बस सुरक्षा रखती है अपनी ओर से। बाकी अपने जो भी परिवार का सदस्य हो उसे अकेला मत छोड़िए। और देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, जब मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी तो डॉक्टर को बोला था हमने, मतलब कि ट्रीटमेंट लिख देते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह बोतल वगैरह अगर लगानी रहती है तो डॉक्टर लिख देते हैं, पर हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना का इलाज चल रहा था और मुझे साथ में जॉइंटिस भी था और टाइफाइड भी था, तो तीनों साथ में थे। तो अपने को ऐसा रहता है कि ट्रीटमेंट है तो सिर्फ हॉस्पिटल में, यहाँ मैं जहाँ मैंने किया वहाँ का बता रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ कोरोना का, कुछ भी अगर हो रहा है सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बस कोरोना की ही ये कर रहे थे, उसमें दूसरी बीमारियों के कारण भी लोगों की डेथ हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि कोरोना से नहीं डरे क्योंकि उसका तो ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जैसे कि हमें कोरोना का तो इलाज मिल जाता है, पर क्या है जैसे कि मुझे टाइफाइड और पीलिया ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सिर्फ कोरोना का कोर्स दे दिया था, उसके टेबलेट्स वगैरह में ले रहा था। हाँ, और टेबलेट्स उसकी थोड़ी हाई एमजी की रहती है, मतलब मुझे 800 mg की मिली थी, तो उसमें भी क्या था, मुझे 800 की साथ में लेने को कहा था और एक 200 mg की थी, तो उसमें क्या था कि ये बहुत ज़्यादा हाई डोज हो जाता है, तो इसके लिए हमें खाना ज़रूरी है, पेट में कुछ रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो खाना खाना ही है। खाना खाइए, ये जितना हो सके खाइए, आप उससे ही ठीक हो सकते हो। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा, बस अपने ध्यान अपनी सुरक्षा का ख्याल हमें खुद रखना होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे मतलब ऐसा है कि मुझे खुद को खुद के मतलब आंखों देखी घटना है, या और पता है कि मतलब एक जो पेशेंट रहता है वो अपने किसी को बुलाता भी है, तो वो जैसे कि उसने अगर उसके पास जैसे गाड़ी है ले जाने की व्यवस्था है तो उसे कॉल करता है, तो वो भी क्या करते हैं, अपने भी कोई नहीं आते हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं वो भी कोई नहीं आते, जैसे कि अब बाइक पे जाना तो इतना मतलब इतनी दूर पॉसिबल नहीं होता है कि 30-40 किलोमीटर तक अपन बाइक से पेशेंट को ले जा सकें, तो जैसे कि 4-व्हीलर से जाने के लिए अगर उसके पास गाड़ी है, अपने किसी रिश्तेदार के पास जो कुछ भी है, क्योंकि अपन भाड़े की गाड़ी तो ले नहीं जा सकते हैं, तो अगर उनको भी कहते हैं तो वो मतलब ऐसा आता है, रिएक्ट करते हैं कि यार मतलब पता नहीं क्या है, बोलते हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ले के चल जाओ या एम्बुलेंस कर लो, अरे तो पॉसिबल कहाँ है, इस मतलब इस किस किस को ले जाएगी, कितनी एम्बुलेंस है अपने छोटे से शहर में, तो ऐसा होता रहता है। और ऐसा भी रहता है कि अगर किसी को बोल रहा हो, जैसे कि एक मेरे परिचित हैं, तो ये मैं उनकी कहानी भी है मतलब बता रहा हूँ ये, कि मतलब ऐसा होता है जैसे कि वो किसी आप जैसे कि वो अकेले रह गए थे, तो दो जन की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मतलब वो अपने किसी से रिलेटिव को बोलते हैं कि आप आ जाइए, तो वो भी मतलब मना कर देते हैं, तो मतलब ये क्या था कि मतलब वो बोलते और क्या है कि मतलब कि मुझे मना कर दिया है कि मैं नहीं हूँ, अरे तो प्रॉब्लम क्या है, अपनी सुरक्षा रखिए, अब आप नहीं आओगे तो नहीं आओगे, पर जो घर वाले हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, उन लोगों तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी मुसीबत उठाना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरी अभी भी तो मतलब थोड़ी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, मैं आज भी गेट के बाहर नहीं जाता हूँ, मैं मेरे मेन गेट के बाहर अभी भी नहीं निकलता हूँ, पर मैंने खुद ने भी मतलब ये होता है कि मैं खुद चल जाऊं, क्योंकि एक इंसान दो जगह पे रह के कुछ कर नहीं सकता है, वो किधर करेगा, इस इधर वालों को करेगा या उधर करेगा, किस किस को संभालेगा, तो मेरा खुद का मन होगा, पर मैं अभी ऐसा है, मेरी सिचुएशन ऐसी कि मैं जाने लायक नहीं हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी घर नहीं रहता। अपनी सुरक्षा अपने साथ रखिए, सैनिटाइज साथ में सैनिटाइज़र रखो, सैनिटाइज करते रहिए हमेशा, और मास्क लगा के रखिए, ये सुरक्षा है अपनी, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि मतलब आप पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते या, पर बाकी इससे पता चल जाता है कि रिश्तेदार
और ये दोगला समाज, इसकी औकात पता चल जाती है कि ये क्या है, जो बहुत समाज समाज के नाम पे जो उछलते हैं। अरे ये समाज तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा, काम तुम्हारे घर वाले ही सिर्फ आएंगे, ये पहली बात। और रिश्तेदार, अरे रिश्तेदार भी कोई नहीं आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे एक मतलब इतनी करीबी की घटना है कि मैं बता रहा हूँ, जिसमें न कोई रिश्तेदार आता है न समाज आता है, यहाँ तक कि कोई भी नहीं आएगा। आपको देखने क्या, दूर से घर से झाँक झाँक के भले ही देखा करेंगे पर कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तो ये समाज वमाज छोड़िए, रिश्तेदार वगैरह कि कोई आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद सिर्फ आपके घर वाले करेंगे, भाई बहन करेंगे, माता पिता करेंगे, वही करेंगे। तो ये इस दोगले समाज से बाहर निकलिए, हर बात में समाज ऐसा समाज ऐसा, जात पात के जाल से भी बाहर निकलिए कि हम ऐसे हम वैसे, कुछ काम नहीं आता है, काम अपने घर वाले परिवार वाले ही आएंगे। तो इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आप सभी को कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रह के बने रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस हमारा मतलब दुश्मन सिर्फ हमारा टेंशन है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो ये व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह स्टोरी वगैरह जो लगाते हैं, जो मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है उनका है, तो मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग अभी स्टेटस पे मत लगाइए, क्योंकि इससे है तो जो अपना मरीज रहता है वो क्या करता है, दिन भर बोर होता है तो टाइम पास के लिए मोबाइल चलाता है, व्हाट्सएप वगैरह चलाता है, वो देखता है, तो उसमें ऐसे स्टेटस आता है तो उसका मनोबल गिर जाता है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती, क्योंकि जिस टाइम पर मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, बहुत ही स्टेटस चल रहे थे, तो उससे ना जो इंसान है उसका मनोबल गिर जाता है, वो उसे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये बस अपने ये जैसा सबके साथ हो रहा है वैसा ही अपने का साथ हो रहा है, ऐसा लगता है। तो आप लोग कोई भी ऐसे स्टेटस मत डालिए, मानते हैं आपके करीबी है पर बाकी स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता, आप स्टेटस पर लिखते हो मिस यू, तो स्टेटस तो कोई ऐसा तो है नहीं, बस लोग देखते हैं, आपका वो जो करीबी है वो तो नहीं देखता है ना, तो ऐसे डाल के क्या मतलब है, मतलब बहुत परेशानी होती है जो वो पेशेंट रहता है उसका, पूरी तरीके से मतलब वो बहुत कमज़ोर होता है इन सब चीज़ों से, मानसिक रूप से बहुत वो कमज़ोरी महसूस करता है, तो ऐसा कुछ मत डालिए। और इसी के साथ मैं मेरी वीडियो ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है।